लखीमपुर की घटना और किसानों से मिलने जा रही प्रियंका गांधी को हिरासत में लिए जाने का विरोध जताते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यूपी के इटावा जिले में देर रात तक धरना प्रदर्शन किया। इटावा नगर पालिका गेट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष मलखान सिंह व एनएसयूआई के महासचिव प्रशांत कुमार तिवारी की अगुवाई में जोरदार धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने इस दौरान पुतला भी फूंका। प्रदर्शनकारी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना था कि सरकार तानाशाही पर उतारू है, किसान मजदूर व्यापारी व आम नागरिकों की आवाज को दबाया जा रहा है। एनएसयूआई के महासचिव प्रशांत तिवारी ने कहा, जब तक उनकी प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी को हिरासत से नहीं छोड़ा जाता तब तक कांग्रेसियों का धरना प्रदर्शन लगातार चलता रहेगा। किस मामले में आज आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में जो लखीमपुर खीरी में जी भारत सरकार के गृह मंत्री के बेटे के द्वारा जी किसानों की निर्मम हत्या की गई, उसके विरोध में मेरे देश की नेता उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी माननीय प्रियंका गांधी जी जब उन किसान पीड़ित किसानों के परिवारों से मिलने की कोशिश की तो उन्हें रास्ते में रोक करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और कल गिरफ्तार आज पूरी रात उन्होंने गिरफ्तार रखा और दिन भर गिरफ्तार रखा। उसके विरोध में हम लोग भी यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जब तक माननीय प्रियंका गांधी जी को ये सरकार रिहा नहीं करती है और उन किसानों को जो पीड़ित किसान हैं उन किसानों को न्याय नहीं मिलता है तब तक कांग्रेस पार्टी अनवरत रूप से रात दिन धरने पर बैठ करके अच्छा मांग देकर के राहुल जी का एक ट्वीट आया था कि जहाँ पे मेरी बहन पहुँची है वो काफ़ी सीमाएं नांग के बहुत मेहनत से पहुँची, इसमें आपका क्या कहना है? निसंदेह कांग्रेस पार्टी के नेता प्रियंका गांधी जी ने हर उसमें चाहे कोविड-19 का लॉकडाउन में जो लोगों की सेवा की हो उनमें उनको दवाइयां वितरण करने का काम किया हो और हर उस व्यक्ति के साथ खड़े होने का काम किया है, चाहे हाथरस की घटना रही हो, चाहे उन्नाव की घटना रही हो, चाहे शाहजहाँपुर की घटना रही हो, हर जगह उन्हें जाकर के और इस सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम किया है और इस निर्भीक और निडर नेता के लिए और राहुल गांधी ने जो कहा है निश्चित रूप से सही कहा है। मिनत जी ये बताइए कि आपकी तरफ से यहाँ पे संस्था जो अपने है आप अध्यक्ष हैं यहाँ पर, यहाँ से मेन मुद्दा और मेन मांग क्या है? देखिए उन किसानों को, उन पीड़ित किसानों को, जिन किसानों की हत्या की गई है, जिन किसानों को कुचल करके मार डाला गया है इस भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री के बेटे के द्वारा, उस गृह राज्य मंत्री को पद से हटाया जाए, उसको बर्खास्त किया जाए और उसके साथ साथ उसके बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेजने का काम किया जाए, तभी किसानों को न्याय मिलेगा और बहन प्रियंका गांधी जी को रिहा किया जाए। इन मांगों को लेकर के हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा ये कब तक आपका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा? मैंने बताया कि ये जब तक क्या मांग है आपकी जो यहाँ पे धरना कर रहे हैं? जैसा कि आपको मेरे जिलाध्यक्ष ने बताया, जब तक प्रियंका जी की रिहाई नहीं होगी, कल से उनको सीतापुर पुलिस लाइन में नज़रबंद कर रखा है और जो दोषी हैं भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री और उनके बेटे, उनको जल्द से जल्द सजा हो, वो जेल जाए, ठीक है, पीड़ितों को न्याय मिले, उचित मुआवजा मिले, यही हमारी मांग है। और इस सरकार में सबसे ज़्यादा किसानों के साथ जो गलत हो रहा है उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी खड़ी है। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस लड़ाई के लिए तैयार है। हम लोग लाठी डंडों और गोली से करने वाले नहीं हैं, हम लोग इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे और कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ। कहीं पर देखने में ये भी आ रहा है प्रधान जी की काफ़ी जगह पर बलवा हुआ है, उसमें आपका क्या कहना है? चुनाव आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी का काम है चुनाव के समय दंगे और फसाद कराना, शायद उत्तर प्रदेश का चुनाव है तो इसीलिए उन्होंने को सोचा होगा कि दंगे और फसाद कराए जाए, न क्या जरूरत थी किसानों की हत्या करवाने की। तीन का वो क्या मांग रहे, तीन काने कानून जो बने हैं वो वापस के लिए तो मुखार लगा रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं? मेरा बस यही है आप सबसे, मीडिया इस निष्पक्ष बात, उसमें एक पत्रकार भी अपने शहीद हुए हैं, इसमें क्या आप देखिए ना, जब देश की मीडिया आज अगर निष्पक्ष बात दिखाएगी तो
सबके लिए होगा। आज पत्रकार के साथ हुआ है, किसान के साथ हुआ है, नौजवान सभी के साथ हुआ है। अगर आप स्पष्ट जांच के लिए आप अपने चैनल पर दिखाएंगे तो किसानों के इसकी बात होगी। आज हम लोगों ने, पूरी कांग्रेस पार्टी ने योगी आदित्यनाथ का पुतला भी फूंका इसके विरोध में, और जब तक पीड़ितों को न्याय नहीं मिलता हम लोग धरना स्थल पर डटे रहेंगे और संघर्ष करते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद।